व्हाट्स अप पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग एंड टुडे इज 7th मार्च और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं सुबह के और अभी हम लोग आए हैं रेने फॉल्स जो कि खजुराहो में है और 18 किलोमीटर पड़ता है खजुराहो रेलवे स्टेशन से और आज हम यहाँ पे घूमने वाले हैं यहाँ का रेने वाटरफॉल्स और यहाँ पे जो है आपका घड़ियाल सेंचुरी जो हम कवर करने वाले हैं और अभी मैं आपको बताता हूँ जहाँ से हम लोग आए हैं ऑटो करके रेने खजुराहो रेलवे स्टेशन से अब कैसे यहाँ से टिकट लेने हैं टिकट का प्राइस क्या है यहाँ पे कैसे आ सकते हैं रेलवे स्टेशन से और अंदर क्या क्या होगा देखने के लिए हम क्या घूम सकते हैं और दूसरा ये कि टिकट प्राइस क्या होगा गाइड कैसे करेंगे और भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस तो यहाँ तक कि खजुराहो में सिर्फ टेम्पल्स ही नहीं है देखने के लिए ठीक है टेम्पल्स हम लोग कवर करेंगे साथ में खजुराहो टेम्पल्स के बाद हम लोग क्या कवर कर सकते हैं नेशनल पार्क देख सकते हैं टाइगर रिजर्व देख सकते हैं एंड डैम्स भी हैं यहाँ पे और अभी हम लोग जा रहे हैं रेने फॉल्स और हमने घड़ियाल का भी ले लिया है टिकट तो वो आपको शो करेंगे वीडियो के अंदर और साथ ही साथ में अगर आपने सुना होगा फेमस यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व भी है जो कि रेने फॉल से पड़ता है ओनली जस्ट 40 किलोमीटर्स तो 40 किलोमीटर यहाँ से मैं आपको उसका वे भी दिखा दूँगा आप यहाँ बिल्कुल पॉइंट पे आके अपना 40 किलोमीटर जाके पन्ना रिजर्व भी जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अभी यहाँ पे रेने फॉल्स और जो अभी हमने टिकट ली है अगर आप पैदल आते हैं या फिर अपनी साइकिल से आते हैं तो यहाँ के टिकट है 50 रुपीज़ बाय वॉकिंग एंड बाय साइकिल और अगर आप ऑटो से आते हैं तो आपको ऑटो का टिकट लेना पड़ेगा एंट्रेंस फीस जो कि है 400 रुपीज़ और उसके साथ आपको गाइड भी मैंडेटरी होता है यहाँ पे लेना जिसकी 100 रुपीज़ चार्जेज है तो अभी हमने ऑटो करा है और 100 रुपीज़ हमने गाइड के लिए तो 500 एंड अगर आप अपनी कार से आते हैं या फिर कैब करके आते हैं तो उसका 500 चार्जेस रहेगा प्लस 100 रुपीज़ गाइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो एंट्री करने से पहले हमें मेन टिकट दिखानी पड़ती है और जो सब दिखा रहे हैं उसमें एंट्री होगी कितने लोग जा रहे हैं गाड़ी का नंबर आपकी जो भी जा रही है और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घड़ियाल पॉइंट पे और मेरे अगर लेफ्ट देखेंगे पूरी रिवर है और बहुत अच्छा व्यू है और अभी चलते हम लोग फिर आपको दिखाता हूँ व्यू और देखते हैं घड़ियाल मिलते हैं नहीं मिलते हैं। सो गाइस अभी अभी हमने क्रोकोडाइल देखा है रिवर के अंदर और जो बिल्कुल मेरे 90 डिग्री डायरेक्शन में और उसे वॉच कर रहे हैं बाइनोक्यूलर से। फॉरेस्ट है इस फॉरेस्ट का नाम केन घड़ियाल सेंचुरी है मतलब रिवर का नाम केन हो गया घड़ियाल ला के इसमें छोड़ दिए गए हैं और ये जो जंगल है ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इस फॉरेस्ट में छोटे एनिमल्स से जैसे एंटीलॉप स्पॉटेड डियर चिंकारा वाइल्ड बोर वाइल्ड डॉग फॉक्स जैकाल हाइना इस पार्क में टाइगर लेपर्ड भालू नहीं है वो उधर पन्ना में है। तो ये रिवर है जो केन इसका ओल्ड नेम है जो कर्णावती था ब्रिटिश टाइम से अंग्रेजों ने केन कर्णावती की जगह केन कर दिया वो जो अपना रेने फॉल है वाटरफॉल इस वाटरफॉल का ओल्ड नेम है जो स्नेह फॉल था स्नेह फिर स्नेह की जगह अंग्रेजों ने रेने कर दिया क्योंकि ये रेनिंग सीजन में बहता है जुलाई अगस्त सितंबर इसलिए इसका नाम रेने फॉल कर दिया कि रेनिंग सीजन में बहता है और ये रिवर है जो 125 किलोमीटर आगे से आती है अपनी कर्णावती रिवर विंध्या माउंटेन कटनी डिस्ट्रिक्ट एमपी से और 200 किलोमीटर डाउन में यमुना जी मिलती है जाके चिल्ला घाट में बांदा के पास यूपी में फिर यमुना जी जाके इलाहाबाद गंगा मिल जाती है। इसमें मानसून सीजन जुलाई अगस्त सितंबर पूरा पानी से भरा होता है कभी कभार जब अच्छा बारिश होता है तब पानी ये रेलिंग में टच हो जाता है पर एवरी ईयर नहीं इस बार है जैसे कम बारिश हुआ तो इन पेड़ों के ऊपर आ गया था पानी यहाँ तक पानी रहा मतलब इतना फ्लो है इसका जी। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं नेचर ट्रेल देखने और मैं आपको दिखाता हूँ नेचर ट्रेल क्या है यहाँ पे और अभी जो मेरे सामने इधर जो बोर्ड है वहाँ पे 500 साल पुराना पानी है गोंडवाना दीवार ये वॉल है जो सर 500 वर्ष पुराने हैं ये राजा लोगों की बनाई हुई वॉल है इस वॉल पे खड़े होकर राजा लोग जानवरों का हंटिंग करते थे तो ये राजा लोग हैं यहाँ के अपने जो लोकल के
पहले केवल जो जंगलों में पैलेस बनाते थे, जो ये वॉल वगैरह बनाते थे, ये केवल हंटिंग के लिए बनाते थे। देखिए जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं, इन्होंने कितना मेहनत करके रखा गया है, कैसे वो किया है। क्या है सर, जो पहले जमाने में जब राजा लोगों का राज था, तो वो राजा लोग हैं जो जैसे मजदूरों को बोल देते थे कि आप लोग हमारा ये काम करेंगे, इतने दिन में तैयार करना है आपको, तो वो ऑर्डर देने वाले थे, करने वाले कोई और थे। और अभी भी राजा रानियों की कहानी आज भी चल रही है। जैसे दीमक होती है, दीमक जो घर बनाती है, बनाता कोई और है, रहता कोई उसमें और है। दीमक बना के तैयार करती है, रहता उसमें सांप है। तो वो भी आज राजा रानियों की कहानी आज भी चल रही है जीव जंतुओं में। आइए पॉइंट है, यहाँ से वो वोल्केनो इरप्शन हुआ है। ये पानी के अंदर 50 मीटर गहरा है। यहाँ 5 प्रकार के रॉक्स हैं, जैसे जो रेड वाला है वो जैस्पर है, ब्लैक वाला बेसाल्ट है, वो ब्राउन कलर है, रेड के पीछे पीला पीला दिख रहा है वो डोलोमाइट है, और इसमें ये व्हाइट सा दिख रहा है सामने, ये क्वार्ट्ज है, और ये पिंक वाला ग्रेनाइट है। तो ऐसे 5 प्रकार के पत्थर हैं, और 5 किलोमीटर लॉन्ग कैनियन है। अपने इंडिया की इकलौती कैनियन, ऐसी इंडिया में दूसरी कैनियन नहीं है। इससे बड़ी कैनियन वो अमेरिका की ग्रैंड कैनियन है जी। अभी हम जहाँ खड़े हैं, यह है कंदरिया महादेव टेंपल, और यहाँ पे ऐसे ही बहुत हिस्टोरिकल टेंपल्स हैं जो हम आपको अभी वीडियोस के अंदर दिखाएंगे और कवर करेंगे सारा। और यहाँ बहुत एरोटिक इमेजेस भी हैं टेंपल्स के ऊपर जो बनी हुई है, और उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों है यहाँ पे और क्या क्या है। और यहाँ पे मोर देन 10 टेंपल्स हैं, और उसके बारे में सब टेंपल्स कवर करेंगे, तो उसको हम आपको आगे चल के बताते हैं। तो हमें यहाँ से स्टेशन से 7 किलोमीटर्स पड़ता है जहाँ पे इसका टिकट मिलता है, और टिकट प्राइस की है 40 रुपीज़ पर पर्सन। तो उसी के अंदर आप सारे टेंपल्स कवर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अभी हम आए हैं बीजा मंडल में, जो 1999 में खुदाई करके यहाँ पे टेंपल का पता लगा था, और खुदाई करके एक नया टेंपल का पता लगा था जो यहाँ खजुराहो में है, बीजा मंडल, और ये एक्सकेवेटेड साइट है। और दूसरा ये है कि जो इसके अंदर खुदाई के दौरान जो यूज़ हुई थी मशीन्स टूल्स, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले सिर्फ ऐसा छोटा मंदिर था, फिर उसके बाद निकला।
पत्थर जितने भी है सारे खुदाई के दौरान सारे यहाँ पे निकले थे। सो गाइस जहाँ हम लोग मॉर्निंग में पहुँच गए थे 8:30 बजे और फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑटो बुक करा स्टेशन पे जहाँ से हमें उमेश भाई मिले थे और उमेश भाई ने ही बताया हमें कि हम लोग खजुराहो में कहाँ घूम सकते हैं। खजुराहो के रहने वाले उमेश भाई, इन्होंने पूरा मैप के साथ गाइड करा हमें और बताया हम कैसे कैसे मंदिरों कवर कर सकते हैं और क्या क्या घूम सकते हैं। अगर आप खजुराहो आते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उमेश भाई का नंबर मेंशन कर दूंगा, आप सीधे स्टेशन आके या स्टेशन आने से पहले इनको फ़ोन कर सकते हैं और इनकी ऑटो सर्विस ले सकते हैं और जिसके अंदर आपको ये जितने यहाँ पे टेंपल्स हैं वो सारे कवर कराएंगे और साथ में अगर आप चाहेंगे तो आपको रैने वाटरफॉल्स जो यहाँ पे बहुत फेमस फॉल्स है और बहुत फेमस एरिया है रैने वाटरफॉल्स जो खजुराहो से 17 किलोमीटर्स पड़ता है वहाँ भी आपको लेके जाएंगे। चलो भैया थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से घुमाया खजुराहो, बड़ा मज़ा आया इतने अच्छे से समझाने के लिए बताने के लिए और इतना आपने फूड सर्विस रेस्टोरेंट वगैरह दिखाए, दिल से शुक्रिया आपका। So guys, if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe. Like and subscribe.